पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे। और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज इट नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई? कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो कंप्लेन की ड्राफ्ट थी वो डिस्ट्रॉय हुई। डिपार्टमेंट के बाहर जाके बन के आती है ड्राफ्ट। किसने जाके डिपार्टमेंट के बाहर ड्राफ्ट बनाया? डेप्यूटी लीगल एडवाइजर को क्यों नहीं आप ट्रस्ट करते हो? उसको क्यों ड्राफ्ट बनाने नहीं दिए? जब उसने तुम्हारे को चार्जेस भी बताए तो तुमने उसकी नोटिंग डिस्ट्रॉय क्यों की? मिस्टर संजय सिंह हो, मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह हो, या जो भी सिंह हो, उनको अब इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो अभी बहुत सारे थोड़े सवाल हैं, अब और सवाल पैदा हो गए। क्या कानून का दुरुपयोग कर रही सीबीआई? मुझे सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे कंप्लेंट है एनसीबी से, एनसीबी के सीनियर ऑफिसर से, वो समीर को टारगेट कर रहे हैं। सीबीआई से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे ग्रीवेंस है। और मेरी ग्रीवेंस ये है कि तुम्हारे को 4 महीने की मोहल्लत थी, वो 4 महीने की मोहल्लत के बाहर जाकर 2 साल के अंदर आप 11 मई 2023 को अप्रूवल लेकर आते हो यूनियन ऑफ इंडिया से, और उस अप्रूवल की बुनियाद पे एफआईआर रजिस्टर करके इस आदमी को टारगेट करना चाहते हो। मेरी आप लोगों से ये ग्रीवेंस है। आप लोगों को 17A को फॉलो करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था कि भाई तुम लोग 4 महीने के बीच में दौरान में नहीं आए, अब ये 2 साल हो गए, अब हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है, प्राइमा फेशी रिकॉर्ड हमारा सबमिशन किया गया है, लेकिन सरकार को यानी कि एनसीबी को और सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहता था, वो टाइम दिया गया है। एनसीबी ने टाइम मांगी मंडे तक के, सीबीआई मांग रही थी 1 हफ्ते भर का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी तो 41A की नोटिस के तहत आदमी अगर अटेंड करता है तो उसको तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सीबीआई की दलीलों से हमें शक था कि अटेंड करने के बाद में भी हो सकता है किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर, क्रिएटेड ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि सेक्शन 41A3 और 4 को इन्वोक नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि 22 तारीख तक के इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख को मैटर अभी रखा गया है, एनसीबी 22 तारीख को अपनी एफिडेविट जो है ओपन कोर्ट में फाइल करेगी, हमको कॉपी देगी संडे को, वो एनसीबी की ऑफिस जो एफिडेविट रहेगी उसको स्टडी करके 22 तारीख को आगे जो है वो वेकेशन जज के सामने अब हियरिंग होगी। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाईकोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगननामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहाँ तक क्या आ गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशन को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ, ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट 7 को एक चार्ज नहीं है जहां पे आरोपी को जेल में जाना पड़ता। अगर सेक्शन 27 का चार्ज डेप्यूटी लीगल एडवाइजर ने सैंक्शन किया था आर्यन के लिए, तो यानी कुछ ना कुछ मटेरियल होगा।
जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सेक्शन 27 का केस सजेस्ट किया था। अगर उन्होंने 27 का केस ड्रॉप करना था तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना था, उसको आरोपी बताकर कोर्ट के अंदर इम्यूनिटी की एप्लीकेशन करनी थी 62A के अंदर, जिसमें आर्यन को 62A के अंदर इम्यूनिटी मिल जाती, और जिस तरह आज वो आराम से घूम रहा है बच्चा, तब भी घूम सकता था। हमें आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, समीर आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, ना मुझे ना किसी को है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तोड़ा गया, मोड़ा गया एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथों, और ये नहीं होना चाहिए। अगर आज हुआ है, कल दोबारा होगा, फिर होगा, फिर होगा, आज ही इसको रुकना चाहिए। सर, ये कब इंक्वायरी के लिए जाने वाले हैं समीर जी सीबी ऑफिस में? टुमारो मॉर्निंग। इज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मिस्टर वानखेड़े बाय हिज ओन डिपार्टमेंट? यस, देयर इज अ वेरी क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट समीर वानखेड़े बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। इफ दे कम फॉर द पर्पस ऑफ सर्च, दे स्टे इन द हाउस फॉर 14.5 आवर्स एंड दे पिकअप हिज स्लीपर्स, दे पिकअप हिज शूज, दे पिकअप हिज अंडरगारमेंट्स, दे पिकअप हिज पैंट्स, जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ देम। What is this? This is vilification without any material. If this is not targeting, then what is it? Everything started, 1 minute. Everything started with Nawab Malik making the false allegations of 25 crores. That allegation was made by Nawab only because his son-in-law went to jail at the hands of Samir Wankhede. Otherwise, if Samir Wankhede had not arrested his son-in-law, this allegation of 25 crores would not have come in. Wo 25 crore ka figure jo hai, Gyaneshwar Singh ne नवाब मलिक के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिकअप करके इन्वेस्टिगेशन चालू करी है। बदले की मांग से कार्रवाई क्यों की जा रही है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने घूस लिया है तो घूस देने वाला भी तो कोई होगा ना। जो स्टेट की स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, स्टेट ने तो अपनी इंक्वायरी को क्लोज कर दिया है ये बोलकर कि ऐसा किसी किस्म के चार्ज नहीं, ना तो घूस लिया गया ना तो घूस दिया गया। अब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? व्हेन द स्टेट हैज क्लोज दैट इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ री इन्वेस्टिगेशन? अरे मेरे भाई, आप जो सवाल उठाते हो ना, जो मैंने डिस्क्लोजर किया उससे सवाल उठाओ। मेक सम पॉइंटेड गुड क्वेश्चन। आई सेड द कंप्लेंट वॉज डिस्ट्रॉइड, द नोटिंग वॉज डिस्ट्रॉइड। डज इट फिट इन टू योर माइंड? इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इज इट नॉट रिक्वायर्ड टू? ज्ञानेश्वर सिंह का चैट जो है डिस्क्लोजेस, हियर मी आउट, चैट ऑफ ज्ञानेश्वर सिंह डिस्क्लोजेज एन ऑफेंस कमिटेड बाई हिम अंडर सेक्शन 59 ऑफ द NDPS एक्ट। एंड we have mentioned in this particular petition that the CBI, which has said that the complaint is registered against unknown persons, should be widened. The scope should be widened to include the investigation with regard to the role played by Mr. Gyaneshwar Singh in this case. Jo bhi decision Samir ne liya tha, wo chat ke upar Gyaneshwar Singh ke saath mein share kiya gaya. Gyaneshwar Singh ke bolne ke upar sarkari vakil ko laya gaya. Gyaneshwar Singh ke bolne ke upar police custody ki demand ki gayi. जेल कस्टडी जाने के बाद में पुलिस कस्टडी की डिमांड क्यों नहीं हुई, उसके सवाल ज्ञानेश्वर सिंह ने रेज किए हैं। और आज ये बताया जाता है कि आर्यन खान को उस केस से ड्रॉप किया गया। वो ड्रॉप क्यों किया गया, वो पिटीशन के हमने रेज की है, उसका कॉन्वर्जेशन है डेप्यूटी लीगल एडवाइजर के साथ में समीर वानखेड़े के बीच में, जो कि बताता है कि उसने जो नोट पुटअप किया था कि सारे के सारे आरोपियों को किन चार्जेस के ऊपर प्रोसिक्यूट करना चाहिए, वो नोट दी गई थी फाइल के अंदर। वो नोट फाइल से डिसअपियर हो चुकी है, वो नोट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो ड्राफ्ट दिया गया था कंप्लेंट का, वो ड्राफ्ट चेंज किया गया है। उस वक्त समीर एनसीबी में नहीं था, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जिसने वो नोट डिस्ट्रॉय किया, कौन है जिसने ड्राफ्ट चेंज किया, और कौन है जो कि ये डिसीजन लिया कि अब लिस्ट ऑफ अक्यूज अलग होनी चाहिए। जब DLA जिसको तुमने अपॉइंट किया हो तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए, उस डेप्यूटी लीगल एडवाइजर जो कि कानून तुम्हारे से ज्यादा बेहतर समझता है, अगर उसने नोटिंग दी है कि भाई इन सब आरोपियों के ऊपर ये चार्जेस लगनी चाहिए, तो वो नोट कहाँ है? वो डिस्ट्रॉय क्यों हुई नोट? जो ड्राफ्ट भेजा गया था कंप्लेंट का, वो ड्राफ्ट कहाँ है? वो ड्राफ्ट डिस्ट्रॉय क्यों हुआ? ये सब चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में CBI को लाना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे पिटीशन का एक पर्टिकुलर प्रेयर है। समीर तो कोऑपरेट करेगा ही, लेकिन CBI को भी अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने इन्वेस्टिगेशन का स्कोप
वाइडन करना पड़ेगा। सर जानकारी यह भी मिल रही है कि सेक्शन 27 के तहत आर्यन खान के ऊपर एलिगेशन था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 27 कोई इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा रेव पार्टी के अंदर जो जू के अंदर विश्वास नारायण पाटिल साहब ने बस्ट की थी, वहां से छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सेक्शन 27 के अंदर सब चार्ज किए गए। उन सबको 62A के अंदर इम्यूनिटी दी गई और आज वो अपनी अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे। सेक्शन 27 कोई चार्ज नहीं। Silence first. Questions only to me. No questions to Sameer. Sameer has been told not to say a word. So don't ask him any questions. बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जो हमने कॉशिंग की पिटीशन डाली थी, हमने सुबह को 10 बजे मेंशन करी और बताया कि ये एक अर्जेंट मैटर है। 2:30 बजे कोर्ट ने उसको रखा, सर्विस करने को कहा था। सीबीआई को सर्विस हो गई, एनसीबी को सर्विस हो गई, दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से उनके वकील और ऑफिसर्स कोर्ट में मौजूद थे। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान हमने कोर्ट को ये बताया कि ये पूरा का पूरा केस जो है FIR 11/5/2023 के तहत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 388 के तहत जो रजिस्ट्रेशन किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और इलीगल है, क्योंकि सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो करनी है उस तारीख से करनी है 4 महीने के अंदर जिस तारीख को पब्लिक सर्वेंट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर गलत डिसीजन लिया था, जिस गलत डिसीजन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट को यूं लगता है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस लग सकते हैं। केस जो है कॉर्डिलिया का वो अक्टूबर 2021 का है। तो वैसे अगर तुम देखा जाए FIR के अंदर मिस्टर कपिल जो कि एनसीबी के ऑफिसर है जो कि कंप्लेनेंट है, उन्होंने ये कहा है कि 94/21 केस नंबर 94/21 जो कि 2/10/2021 को रजिस्टर हुआ था, उसी केस के सिलसिले में समीर वानखेड़े ने कुछ गलत डिसीजंस लिए। वो डिसीजंस इनके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस बनता है। 17A के तहत वो डिसीजन अगर अक्टूबर 21 में लिया गया तो सेकेंड प्रोविजो के हिसाब से उनको 4 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को खत्म करके FIR रजिस्टर करना था, जो कि इन लोगों ने नहीं किए। स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनी थी एनसीबी के अंदर वो बनी थी 25/10/2021 को। अगर आप 25/10/2021 की भी डेट लोगे तो 4 महीने से बाहर जाता है और इसलिए वो इलीगल FIR करार दिया जा सकता है। तीसरी बात, कैट के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जहां पर इन लोगों ने उस रिपोर्ट का रेफरेंस किया वो